हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे प्लांट्स की जिनको आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये प्लांट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये कुछ 15 प्लस प्लांट हैं। अगर आप चाहते हैं कि गर्मी में मैं प्लांट और नए प्लांट ऐड करूँ तो इनको आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। कहीं से भी अगर आपको ये प्लांट मिल जाते हैं तो इनके नए नए पफ जरूर निकलते हैं, तो वहाँ से आप इनका जो है नया प्लांट ले सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में भी ये प्लांट है तो आप इनसे डिवाइड करके काफ़ी सारे नए प्लांट बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से डिवाइड हो जाते हैं ये प्लांट। अगर आप कटिंग नहीं लगती है तो आप ये प्लांट जरूर ग्रो कर लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट जो मिलते रहे। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। जो सबसे फर्स्ट प्लांट है ये है रियो प्लांट। इसे बोटेली प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला ये प्लांट होता है। इस प्लांट को आप डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसकी जो है कटिंग लगाई थी यहाँ पर, और अब आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें जो है लीव्स बन जाती हैं। नई नई लीव्स इसमें बनती रहती हैं, तो बहुत ही आसानी से प्लांट जो डिवाइड करके ग्रो हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी भी इससे ही लेकर ये नई कटिंग लगाई है और ये भी बहुत ही अच्छे चल चुकी है। इसको मैंने इंडोर में रखा हुआ है तो बहुत ही शाइनिंग इसकी लीव्स होती है। इसमें रूट्स आप देख सकते हैं, रेत में मैंने इसको लगाया था, तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाती है और बहुत ही जल्दी इसकी जो प्रोपगेशन रेट बहुत आई है। तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसको बास्केट में भी लगाएंगे तो उसमें भी बहुत ही अच्छा लगता है प्लांट। तो इस प्लांट को आप जरूर ग्रो करें, डिवाइड करके बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को कौन नहीं जानता। बहुत ही अच्छा ये फैलने वाला प्लांट होता है। बास्केट में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को भी आप चाहे रनर से ग्रो कर ले, डिवाइड करके ग्रो कर ले। ये प्लांट भी डिवाइड होकर काफ़ी सारे प्लांट बना लेते हैं, तो इसको भी आप जो डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। मल्टीप्लाई से काफ़ी सारे प्लांट इसके बन जाते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट, आप इसको बास्केट में ग्रो करें। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको आप इंडोर में ही ग्रो करें क्योंकि अभी गर्मियों में जून के महीने में इसकी टिप्स जो है थोड़ा सूखना शुरू हो जाती है, तो इसलिए आप इसको इंडोर में ही रखें, ब्राइट लाइट में रखें, तो बहुत ही आसानी से ये प्लांट ग्रो होगा। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत इसकी लीव्स होती है पर्पल कलर की। अगर आप अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा ये बेस्ट प्लांट है। इसको भी आप डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। इसकी भी यहाँ पर जो है एक कटिंग लगी हुई थी इसमें ही, और अब आप देख सकते हैं इसमें चार जो है इसमें कटिंग जो है हो चुकी हैं, चार इसके स्टेम्स निकल चुकी हैं। तो बहुत ही आसानी से फैलने वाला प्लांट है, गर्मी में खूब फैलता है प्लांट। चाहे तो आप इसको कटिंग भी अगर लगाएंगे इसकी तो कटिंग भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, लेकिन अगर आप इसे डिवाइड करके लगाना चाहते हैं तो डिवाइड करके भी ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसको आउटडोर में रखें, इंडोर में इसकी पत्तियाँ में थोड़ा जो फीकापन आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें जिससे अच्छे से ग्रो करें और इसमें अच्छा कलर भी आए पर्पल कलर। तो इस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो करें। ये प्लांट भी आप डिवाइड करके काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम प्लांट को कौन नहीं जानता। बहुत ही खूबसूरत इसकी लीव्स होती हैं और बहुत सारी इसकी वैरायटीज होती है। इस प्लांट की जो है अगर आप पहचान करना चाहते हैं तो इसकी दो सिंगो वाली लीव्स होती हैं। ये प्लांट इंडोर में चल जाता है, आउटडोर में भी चल जाता है, और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको भी आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो है स्टेम्स में जो ऑलरेडी एरियल रूट्स होती हैं, तो बहुत आसानी से ये प्लांट है जो पानी में भी ग्रो हो जाता है, मिट्टी में भी ग्रो हो जाता है, तो इसको भी आप है जो डिवाइड करके ग्रो कर लें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये एलोवेरा। एलोवेरा को कौन नहीं जानता। बहुत सारी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, तो इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं डिवाइड करके। ये आप देख सकते हैं इसमें जो प्लांट कितने सारे प्लांट्स हैं जो लग चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें से भी अगर आप एक प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इसके बन जाते हैं। इसके अलग अलग वैरायटीज आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें लंबी लीव्स होती है, कईयों में छोटी लीव्स होती है, तो इस प्लांट को भी बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इस प्लांट को भी आप अपने घर में जरूर लगाएं। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है अगेव प्लांट। अगेव प्लांट भी बहुत ही अच्छा एक परमानेंट प्लांट है। सर्दी गर्मी इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और बहुत ही आसानी से प्लांट है जो डिवाइड करके ग्रो हो जाता है। वैसे साइज में बहुत बड़ा प्लांट होता है ये, और अगर आप इसको जो छोटे छोटे इसके पफ्स ग्रो करेंगे, जो इसके छोटे छोटे पफ्स निकलते हैं नीचे वाली साइड से, तो वो भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट है। सर्दी गर्मी ये प्लांट बना रहता है, कोई इफेक्ट नहीं इसको पड़ता, तो इसको भी आप जरूर ग्रो करें। चाहे तो आप इसको आउटडोर ग्रो कर लें, इंडोर ग्रो कर ले। इसकी पत्तियां जो है थोड़ी जो है नुकीली सी होती है, तो इसको ध्यानपूर्वक इसकी आप है जो अगर कटिंग ले रहे हैं या फिर आप इसको डिवाइड करके लगा रहे हैं तो बहुत थोड़ा उसको ध्यानपूर्वक ले, या फिर आप ग्लव्स पहनकर ले सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही अच्छे से फैलने वाला प्लांट है ये, तो इसको भी आप जरूर ग्रो कर लें।
वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है अग्लोनिमा का प्लांट, इसे एवरग्रीन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स होती है, इसको भी आप है जो मल्टीप्लाई करके काफ़ी सारे प्लांट इसके बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है प्लांट। इंडोर में बहुत ही चलता है, एक परमानेंट प्लांट है, डिवाइड कर करके इसके काफ़ी सारे प्लांट बन जाते हैं। तो अगर आप नर्सरी में जाते हैं तो इसकी दो प्लांट्स ही लेके आए हमेशा, जैसे एक प्लांट में ही दो प्लांट जुड़े होते हैं तो उस तरीके से भी आप दो प्लांट इसके बाद में डिवाइड करके बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है भी प्लांट और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, इंडोर प्लांट है, एयर प्योरीफायर प्लांट है, तो इसको भी आप जो मल्टीप्लाई करके काफी सारे प्लांट बना सकते हैं। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है रेन लिली का प्लांट, ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसको भी आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट बल्ब से ग्रो होता है, तो बल्ब से एक बल्ब से ही काफ़ी सारे बल्ब बना लेते हैं, तो आप इसको एक बल्ब से काफ़ी सारे बल्ब बना सकते हैं और काफ़ी सारे प्लांट इसके बन जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है प्लांट, रेनी सीजन में बहुत ही जैसे फ्लावरिंग करते हैं गर्मियों के टाइम में, तो इसको भी आप डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। अभी भी अगर आपके पास ये प्लांट है कहीं आपको दिख जाते हैं तो इसके जो है बल्ब से काफ़ी सारे इसके प्लांट निकलेंगे, जैसे अभी मैंने इसकी जो है डिवाइडिंग की थी तो काफ़ी सारे इसमें जो बल्ब निकले हैं, तो अभी इसे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने एक ही बल्ब ग्रो किया था तो बहुत ही आसानी से इसके 6-7 बल्ब पहले निकले थे और अब आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे इसमें बल्ब बन चुके हैं। तो ये प्लांट भी बहुत ही आसानी से जो है डिविजन मेथड से ग्रो हो जाता है, तो इसको भी आप जरूर ग्रो करें, बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होती है। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है अरेका पाम, इस प्लांट से भी आप फ्री के काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और डिवाइड करके आप इसको एक साल में एक बार डिवाइड जरूर करें। अगर आपके पास ये प्लांट है तो 3-4 इसकी स्टेम्स निकल जाती हैं, जिससे आप 3-4 प्लांट बना सकते हैं आसानी से, और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, ये हर घर की पसंद ये प्लांट है, तो इसको आप जरूर ग्रो करें, बहुत ही सुंदर लगता है। एक एयर प्योरीफायर प्लांट भी है, तो बहुत ही आसानी से भी डिवाइड करके ग्रो हो जाता है। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है कैना का प्लांट, ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसमें येलो कलर की, पिंक कलर की और रेड कलर की फ्लावरिंग होती है। इस प्लांट को भी आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं, भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही आसानी से ये एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट बना लेता है, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करके काफ़ी सारे प्लांट है जो बना सकते हैं, फ्री के काफ़ी सारे प्लांट से भी बन जाते हैं। तो इसका भी अगर आप एक प्लांट लगाते हैं तो काफ़ी सारे इसके जो है मल्टीपल प्लांट्स बन जाते हैं, उनसे जो है आप डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये भी। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है सुदर्शन प्लांट, ये भी बहुत ही खूबसूरत और लंबी लीव्स वाला ये प्लांट होता है, इसमें जो है वाइट कलर की फ्लावरिंग होती है, थोड़े बड़े साइज में इसकी फ्लावरिंग होती है और थोड़े बड़े पॉट में ये प्लांट लगता है। इस प्लांट को भी आप डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये, और इसको आप आउटडोर में ही रखें क्योंकि इसमें एक फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें फ्लावरिंग होती है, तो थोड़ा सनलाइट की इसको ज़्यादा जरूरत होती है, तो ये प्लांट है जो आउटडोर में ग्रो करता है, इसको भी आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट बल्ब से ग्रो होता है, इसमें बल्ब्स निकलते हैं, बल्ब से आप इसको काफी सारे जो है प्लांट बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है भी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है डायफन बेकर का प्लांट, इसकी भी वेरिएटेड लीव्स होती है और बहुत ही आसानी से ये प्लांट भी जो है डिवाइड हो जाता है। इसको भी आप अगर जो है नर्सरी से लेकर आते हैं या कहीं पर आपको मिल जाता है तो इसके भी आप है जो दो प्लांट ही दो स्टेम्स वाला प्लांट लेके आएँ, जिससे आप बाद में इसको डिवाइड कर सके। बहुत ही खूबसूरत लगता है भी प्लांट और आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, इंडोर में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, तो इसको भी आप डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है फर्न की वैरायटी, फर्न कोई भी हो सकती है, चाहे बोस्टन फर्न ले, एस्पेरेगस फर्न ले, तो कोई भी वैरायटी अगर आप लगाएंगे तो इनको आप डिवाइड करके जरूर ग्रो करें। अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप इनका जो है 1/4 साइड से 4 हिस्से इसके कर लें, जिससे ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो बहुत ही आसानी से प्लांट है जो ग्रो करेगा और आप इनसे जो काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी प्लांट है जो मल्टीप्लाई होकर काफ़ी सारे फ्री के प्लांट बना लेता है, तो इसको भी आप जरूर ग्रो करें, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है लेडी पाम प्लांट, लेडी पाम प्लांट को कौन नहीं जानता, ये भी अरेका पाम की एक वैरायटी है। इस प्लांट को भी आप डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये भी प्लांट, इंडोर में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं और आउटडोर में भी प्लांट बहुत ही अच्छे चल जाता है, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है। इसकी जो है लीव्स में थोड़ी जो है लाइन सी बनी होती है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है, इसको भी आप डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं और इसको जो है आप रेन के टाइम पे आप इसको आउटसाइड में रखें, जिससे जो है नई नई लीव्स आ जाएं। तो कोई भी अगर आप पाम की वैरायटी लेते हैं तो जब भी बारिश आए आपके एरिया में तो उसको आउटसाइड में रखें, जिससे इनकी जो नई नई लीव्स जरूर आ जाएँ, तो ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है, इसको भी आप जरूर अप्लाई करें। तो इस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो करें, अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप या तो आप प्लांट खरीद सकते हैं या फिर आपको कहीं पर भी मिल जाता है तो डिवाइड हो जाते हैं ये प्लांट, तो वहाँ से एक तो प्लांट ले आए।
जो प्लांट है ये है अमरेलस लिली का प्लांट। ये भी बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसको भी आप बल्ब से ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड करके इसके काफ़ी सारे जो है बल्ब बन जाते हैं और बहुत सारे प्लांट इसके बन जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है भी प्लांट और बहुत ही सुंदर, इसमें अलग अलग कलर की फ्लावरिंग होती है, तो इसको भी आप जरूर ग्रो करें। भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है इसमें, और कुछ बड़े साइज में भी इसकी फ्लावरिंग होती है, तो इसको भी आप जरूर ग्रो कर लें। भी बहुत ही अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट है। ओके गाइस, तो ये थे कुछ ऐसे 15 प्लस प्लांट जिनको आप मल्टीप्लाई करके काफ़ी सारे फ्री के प्लांट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन जून के महीने में काफ़ी सारे प्लांट बनाऊं, तो इन प्लांट्स को आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। अगर आपसे कटिंग नहीं लगती या आपको लगता है कि मेरी कटिंग ग्रो नहीं होती है, तो आप इस तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट आप बना सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, और इनको आप अगर आप एक बार लगा देंगे तो काफ़ी सारे प्लांट ये बना लेंगे, जिससे आप नए नए प्लांट बना सकते हैं काफ़ी सारे। तो फ्री के प्लांट बनाने का ये बहुत ही अच्छा मेथड है। और अगर आप प्लांट ले रहे हैं, तो आप कभी भी अगर आप प्लांट ले लेते हैं या अगर आप प्लांट खरीदते हैं, तो उनमें जो है स्टेम्स हमेशा दो ही स्टेम्स का रहें, जिससे आप उसको बाद में डिवाइड कर सके। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है कि आप इससे जो है दो प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले ये प्लांट है, तो इनको आप जरूर ग्रो करें। होप सो गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।